हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग क्लास 11, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लास, इन माय वर्चुअल क्लास बाय मी इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद, महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू रीड क्लास 11 प्रोज चैप्टर सेकंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। डियर स्टूडेंट, बिफोर इट आर इन माई प्रीवियस ऑनलाइन क्लास, इन माई प्रीवियस वर्चुअल क्लास, यू हैव रीड दैट By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। आपने पढ़ा पिछले ऑनलाइन क्लास में कि 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना नियंत्रित हो चुका था कि वे लोग बारी बारी से दो दो घंटे आराम कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking, I found that nearly all the boats' main rib frames were smashed down to the keel। लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा होल था, जो जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का प्रमुख कैंची ढांचा टूटकर नौटल पर गिर गया था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। वास्तव में दाईं ओर का एक पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के खानों के और किसी चीज पर टिका नहीं था। So, dear student, and after then you have read that they had survived for 15 hours since the wave hit, but Vivekar could not hold together long enough for them to reach Australia। He checked his charts and calculated that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, सो क्या समझा, क्या पाया? उन्होंने पाया कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, आवर वनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड हॉएस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, द ग्रेट वेव हैड पुट देयर ऑक्सिलरी इंजिन आउट ऑफ एक्शन। यहाँ तक आप लोगों ने देखा था, क्या देखा कि उनमें से जो एक आयल था वह आइल्स एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। उन लोगों का बचाव विशाल सागर में इन दो सुई के छेतु जैसे द्वीपों पर पहुँचने पर ही हो सकता था, लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक वे लोग अपने पाल नहीं खोल सकते थे तथा उनके बचने की आशा अब बहुत कम हो गई थी। उस विशाल लहर ने उनका सहायक इंजन क्रियाहीन कर दिया था। सो कम टू द पॉइंट 21st पैराग्राफ। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूज पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे के निरंतर पंप करने के पश्चात वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, पानी का स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद से अंदर आ रहा था। We could not set any sail on the main mast, हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, ऐसा करने पर साज सामान पर इतना दबाव पड़ता
कि वह पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता। सो वी हॉस्टेड द स्टार्म जीब एंड ही डेड फार वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर। इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फहराया तथा उस ओर चल दिए जहाँ मेरे विचार में वे दो द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी नमकीन मांस तथा करारे बिस्कुट ले आई। देखिए मैरी फाउंड माने प्राप्त करना है, ले आना। मैरी फाउंड सब कॉर्न्ड बीफ नमकीन मांस एंड क्रैकर बिस्किट और करारे बिस्कुट कुरकुरे बिस्कुट। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, मैरी कुछ नमकीन मांस तथा कुरकुरे बिस्कुट लाई थी। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज, तथा हमने लगभग दो दिनों के बाद पहला भोजन किया। तो यह रहा 21वां पैराग्राफ। आइए चलते हैं 22वें पैराग्राफ में। बट आवर रेस्पिट वॉज शॉर्ट लिव, रेस्पिट विश्राम यानी आराम, शॉर्ट लिव थोड़े समय के लिए। बट आवर रेस्पिट वॉज शॉर्ट लिव, परंतु विश्राम हम लोगों का अधिक देर तक नहीं मिला, यानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक आराम नहीं मिला। एट 4 PM चार बजे के समय, शाम 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots, और घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी। एंड द सीज वेयर गेटिंग हायर, तथा समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रियारेट थ्रू आउट द नाइट, देखिए डिट्रियारेट या डिट्रारेट। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रारेट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वेदर या मौसम बिगड़ता गया। एंड बाई डाउन ऑन January 5 तथा 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई, फिर से खराब होने लगी। तो ये रहा है आपका 22वां पैराग्राफ। आइए 23वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए 23वें पैराग्राफ में, वेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, जब मैं बच्चों को समझाने के लिए गया, जान आस्क, तो जान ने मुझसे पूछा, क्या डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पिताजी या डैडी ऐसा लगता है कि अब हम लोग मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट, मैंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वी कुड मेक इट, कि हम लोग बच जाएंगे। I tried to assure him that we could make it, मैंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हम लोग बचने में सफल हो जाएंगे। But daddy he went on, उसने पूछना जारी रखा, कहना जारी रखा, क्या but daddy, लेकिन daddy, we are not afraid of dying if we can all be together, लेकिन you and mummy Sue, मैंने उसकी बहन सुजैन एंड आई, क्या कहता है, बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन पिताजी डैडी ही वेंट ऑन, वह कहता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सू एंड आई, लेकिन पिताजी यदि आप मम्मी सू यानी सुजैन और मैं अगर एक साथ हैं तो हम लोग मरने से नहीं डरते। क्या कह रहा है वह छोटा सा बालक, देखिए, बट डैडी ही वेंट ऑन, उसने कहना जारी रखा, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सू एंड आई, लेकिन डैडी यदि आप मम्मी सुजैन तथा मैं एक साथ हूँ तो हम लोग मरने से
नहीं डरते, हमें मरने से डर नहीं है। तो ये रहा तेईसवां पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं, कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए 24वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। बट आई फेल्ट द चिल्ड्रेंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मेरे पास जो भी था उसके साथ समुद्र से सामना करने का संकल्प लेकर मैं बच्चों के पास आया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, दाई कमजोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त, आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज पार्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हेवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। देखिए, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, दाई कमजोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाई तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का निश्चय किया। देखिए, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। दाई कमजोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाई तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का निश्चय किया। Using an improvised anchor of heavy nylon rope and 22 liter plastic barrels of paraffin, तथा इसके लिए भारी नायलान की रस्सियों तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल कामचलाऊ लंगर बनाने में प्रयोग किया। ये रहा 24वां पैराग्राफ। आइए 25वें में चलते हैं। That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. That evening, उस शाम को या उस सायंकाल के समय, Mary तथा मैं sat together holding hands, हाथों में हाथ डालकर या एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, तथा टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near, हम दोनों को ऐसा आभास हुआ कि अब हमारा अंत समीप है, अब हमारा अंत निकट है, अब हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो ये रहा 25वां पैराग्राफ। आइए 26वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कम टू 26 पैराग्राफ। 26वें पैराग्राफ की तरफ आइए। बट वेवेवा का रूड आउट द स्टार्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, परंतु या लेकिन वेवेवा कार लहरों तथा तूफान में से निकलने में सफल रही। And by the morning of January 6, और 6 जनवरी की सुबह, with the wind easing, धीमी हवा होने पर, I tried to get a reading on the sextant. मैंने sextant पर देखने का प्रयास किया। Back in the chart room, मैंने chart room में वापस आकर, I worked on wind speed changes of course. मैंने हवाओं की गति, मार्ग में परिवर्तन, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, बहाव तथा धाराओं आदि का हिसाब लगाया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड।
मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका कि, देखिए, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, मैंने अधिक से अधिक यही पता लगा सका कि दैट वी वेयर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, कि मैं अधिक से अधिक यही पता लगा सका कि हम 150,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं तथा 65 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 26वां पैराग्राफ। आइए 27वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं ऐसा सोच रहा था, जब मैं बैठा हुआ ऐसा सोच रहा था, सीव यानी 7 ईयर्स ओल्ड गर्ल सुजैन, सीव मूविंग पेनफुली, सीव दर्द सहन करते हुए ज्वाइंड मी, चलकर मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलेन, उसका सिर बाई ओर से बहुत सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आई नैरोड टू स्लिप, तथा उसकी काली आँखें छोटी होकर केवल रेखा छिद्र बन गई थी। ही गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था, अथवा उसने मुझे अपनी बनाई हुई एक कार्ड दी। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस होल एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सो कम टू अगेन 27th पैराग्राफ। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, वेन द सेलर वॉज थिंकिंग, द सेलर कंटिन्यू टू थिंक, सीव मूविंग पेनफुली, सुजैन 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर ऑफ द सेलर हु अप्रोच्ड नियर हिम इन वेरी पेनफुल वे एंड अटैच्ड हिम। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलेन एंड द सेलर्स डॉटर हु वॉज 7 ईयर्स ओल्ड सुजैन whose left head was or whose left head was also so swollen and her back end eyes also quite narrowed and there may be seen a types of hole in his eyes. She gave me a card after approaching me or coming near the sailors. She gave him a types of card whom she had made herself. So it is English explanation. I hope you will be understand the whole explanation. And if you may find any types of botheration, any types of suspicion, any types of doubt, then please contact me personally or in WhatsApp group. Thank you.